गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम संगीता भालेराव मैडम। आई टीच मैथ्स इन सेवन स्टैंडर्ड सेमी डिवीजन। देखो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फाइंड द स्क्वेयर रूट इस पार्ट का स्टडी किया था और प्रैक्टिस सेट पे 30 जो है वो भी हम लोगों ने उसके एग्जांपल सॉल्व किए थे। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न जॉइंट बार ग्राफ। लेसन नंबर 7 है जॉइंट बार ग्राफ। तो देखो, लास्ट ईयर में आप लोगों ने हाउ आर मेक बार ग्राफ, मतलब आप लोगों ने पिछले लास्ट ईयर में सिर्फ ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है उसका स्टडी किया था। और अभी इस साल आप लोग इस ईयर में आप जॉइंट बार ग्राफ किस तरह से ड्रॉ किया जाता है इसका स्टडी करने वाले हैं। तो देखो, अभी जॉइंट बार ग्राफ जो है तो इसकी क्या हमें आवश्यकता होती है वो हम लोग पहले समझ लेंगे। तो देखो, कभी कभी कुछ जानकारी जो है एक ही ग्राफ में अगर हम लोगों को दिखाई दी तो उसमें कंपेरिजन करना जो है वो ईजी हो जाता है। और इसीलिए कंपैरिजन करने से हमें जो भी जानकारी जो है वो तुरंत मालूम भी होती है और उसी तरह उसमें कोई गलतियां भी नहीं होती हैं। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पर एग्जांपल दिया है। देखो यहाँ पर है अजय एंड विजय, ऑब्जर्व द टू बार ग्राफ्स बिलो विच शो द वीट प्रोडक्शन इन क्विंटल्स इन अजय्स एंड विजय्स फार्म्स। देखो यहाँ पर अजय एंड विजय दोनों के जो फार्म है उसमें जो भी वेट का जो प्रोडक्शन हुआ है तो उसका यहाँ पर ग्राफ बनाया गया है। और फिर ये दोनों ग्राफ जो है इनका ऑब्जर्वेशन करके हमें उनका कंपैरिजन करना है। तो देखो यहाँ पर ये दोनों ग्राफ जो है वो यहाँ पर डिफरेंट बनाए गए हैं, लेकिन यही ग्राफ अगर हम लोग यहाँ पर जॉइंट ग्राफ बनाते तो क्या हो जाता है, दोनों का कंपैरिजन करना जो है वो ईजी हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर देखो, अभी ये अजय और विजय दोनों के प्रोडक्शन का ग्राफ जो है वो एक ही कागज़ पर बनाया गया है और जिससे हमें कंपैरिजन करना इजी हो जाएगा। और देखो यहाँ पर ये जो ग्राफ बनाया गया है इसका ऑब्जर्वेशन करके ही हमें कुछ क्वेश्चन जो है उनके आंसर भी सॉल्व करने हैं। तो देखो यहाँ पर आपको इसके लिए ग्राफ नोटबुक जो है वो उसको आपको खरीदना है और ग्राफ नोटबुक पर पेंसिल और पेन उनकी सहायता से ही आपको ये ग्राफ जो है वो बनाने के हैं। देखो ग्राफ बताते समय ग्राफ पेपर जो रहेगा उस पर यहाँ पर एक्स एक्सिस जो है उसको ड्रॉ करना है और यहाँ पर जो वर्टिकल में यहाँ पर वाई एक्सिस जो है वो ड्रॉ करना है। एक्स एंड वाई एक्सिस यहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं तो उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसको ओ जो है वो नाम देने का है। उसके बाद यहाँ पर स्केल लिखने का है, ऑन वाई एक्सिस एक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 क्विंटल। और फिर यहाँ पर अजय एंड विजय, तो देखो जहाँ पर डार्क आपको बार दिखते हैं वो अजय के हैं और जो फेंट वाले जो है वो विजय के हैं। तो इस तरह से उनको भी आप लोगों को शो करना है। तो इस तरह से ग्राफ बनाने के बाद इसका ऑब्जर्वेशन करके आपको ये जो क्वेश्चन दिए हैं इनके आंसर जो है वो लिखने के हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द ग्राफ शोन अलॉन्ग साइड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड दे बोथ प्रोड्यूस इक्वल क्वांटिटीज ऑफ वेट। देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि कौन से ईयर में दोनों के इक्वल क्वांटिटीज थे। तो देखो यहाँ पर आंसर है 2011। देखो ईयर 2011 में दे प्रोड्यूस इक्वल क्वांटिटीज ऑफ वेट, मतलब दोनों का प्रोडक्शन जो है वो सेम था। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इन ईयर 2014 हु प्रोड्यूस मोर वेट, मतलब देखो 2014 में किसका प्रोडक्शन मोर मतलब ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिखता है ये डार्क वाला, तो डार्क वाले का है अजय, अजय का प्रोडक्शन जो है उसने अधिक किया था। उसके बाद इन ईयर 2013 हाउ मच वीट डिड अजय एंड विजय ईच प्रोड्यूस, यानी 2013 में अजय एंड विजय इन्होंने कितना प्रोडक्शन किया है। तो देखो 2013 में अजय ने कितना प्रोडक्शन किया है, तो 40 क्विंटल का किया है और विजय ने कितना किया है, 30 क्विंटल का किया है। तो इस तरह से इनके आंसर जो है वो आप लोगों को लिखने के हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले ग्राफ पेपर पर एक ग्राफ बनाने का है और उसके साइड वाला जो रिटर्न वाला पेज रहेगा उस पर ये क्वेश्चन के आंसर जो है वो लिखने के हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर उसके अगला नेक्स्ट वाला पेज जो है तो इस पर दिया है रीडिंग द जॉइंट बार ग्राफ, मतलब यहाँ पर बार ग्राफ जो है उसका रीडिंग किस तरह से किया जाता है ये यहाँ पर दिया है। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाले पेज के बारे में बताया, यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल रोज जो मैंने ड्रॉ की है इसको एक्स एक्सिस कहा जाता है
और यहाँ पर उसके बाद वर्टिकल रो जो ड्रॉ की है उसको वाई एक्सिस कहा जाता है और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है इसको ओ कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर स्केल लिया जाता है, ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस, और फिर यहाँ पर फेंट वाला जो है वो मैक्सिमम टेम्परेचर है और अब डार्क वाला मिनिमम टेम्परेचर है। यहाँ पर डेज दिए हैं और यहाँ पर टेम्परेचर दिए हैं। अभी देखो ये जो सेकंड वाला जो बार ग्राफ है इसको भी आप लोगों को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है और फिर इनका ऑब्जर्वेशन करके आपको ये जो क्वेश्चन है इनका भी आंसर लिखने का है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डाटा इज शोन ऑन एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस जो है इस पर कौन सा डाटा शो किया है। तो देखो ऑन एक्स एक्सिस द डेज शोज, मतलब यहाँ पर डेज जो है उनके नाम दिए गए हैं। उसके बाद व्हाट डाटा इज शोन ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर क्या दिया है। देखो ऑन वाई एक्सिस टेम्परेचर इज शोन। उसके बाद है विच डे हैड द हाइएस्ट टेम्परेचर, मतलब कौन से दिन हाइएस्ट टेम्परेचर था। तो देखो यहाँ पर हाइएस्ट टेम्परेचर यहाँ पर है तो वो था मंडे को, मंडे को हाइएस्ट टेम्परेचर था। उसके बाद ऑन विच डे इज द मिनिमम टेम्परेचर द हाइएस्ट, मतलब देखो कौन से दिन का तापमान जो है वो मिनिमम है। तो देखो मिनिमम टेम्परेचर जो है वो कौन से दिन का है, तो थर्सडे का है। तो देखो यहाँ पर थर्सडे का है। उसके बाद ऑन थर्सडे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। देखो थर्सडे को मैक्सिमम कितना टेम्परेचर है 30 डिग्री और मिनिमम कितना है 50 डिग्री, तो दोनों में कितना डिफरेंस है, तो 30 माइनस 50 यानी 50 डिग्री का। ऑन विच डे द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर द ग्रेटेस्ट, यानी सबसे ज़्यादा टेम्परेचर में डिफरेंसेस मैक्सिमम और मिनिमम में कौन से दिन है, तो थर्सडे को ही है। तो इस तरह से ये जो बार ग्राफ जो है इसका ऑब्जर्वेशन करके ये क्वेश्चन जो है उनके आंसर भी आप लोगों को सेकंड पेज पर लिखने के हैं। लेकिन इसके लिए आप लोगों को ग्राफ नोटबुक जो है वो पहले आपको खरीदनी है, क्योंकि उसके सिवा आपको ग्राफ बनाना नहीं आएगा। तो देखो ये दोनों ग्राफ जो है उनका मैंने स्टडी आपको करवाया है, उसके क्वेश्चन के आंसर बताए हैं। आप लोगों को ये दोनों ग्राफ जो है पेंसिल और स्केल इनका यूज़ करके ही आप लोगों को ये ग्राफ बनाने के हैं और उनके क्वेश्चन के आंसर रिटर्न पेज पर लिखने के हैं। थैंक यू।